माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। लालू जी भी फुर्के। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही बिहार के तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से इस हत्या को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमने अपने चैनल के माध्यम से अब तक कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपके समक्ष रखा है, साझा किया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है कि पिता की हत्या पर खुद मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। जी, आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुंबई में मौजूद थे जब उनकी पिता की हत्या की गई थी और अब वे राजधानी पटना आ गए हैं, जिसके बाद वे दरभंगा जाएंगे। वही राजधानी पटना आने के बाद पिता की हत्या को लेकर के क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर, आप खुद सुन लीजिए। सर सर, आपके पिताजी आज के लिए हम हत्या कर दी है, यह क्या कहेंगे? जी, मुझे जानकारी मिला है। मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी सुप्रीम तक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है साबित। जब तो जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी संतावना दिए हैं और देश के गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। तो आपने मुकेश सहनी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने अपने पिता की हत्या को लेकर के दुख जताया है। इसके साथ ही साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत की है। उन सभी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की गहन रूप से जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि पटना पहुंचने के साथ ही मुकेश सहनी दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए आपको बता दें कि एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आगे और किस तरह के अपडेट सामने आते हैं उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।